हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्विक स्किन केयर रूटीन, जो कि होने वाला है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। और साथ ही साथ मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि मैं रेगुलर फॉलो करती हूँ, या ये भी कह सकते हैं कि मैं उसे डेली फॉलो करती हूँ, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा होने वाला है आज का स्किन केयर रूटीन, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी। वैसे तो मैंने इन सभी प्रोडक्ट को ऑलरेडी बहुत बार यूज कर लिया है, बट फिर भी जब भी आप किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम यूज करने जाएं, तो पैच टेस्ट जरूर कर लें, उसके बाद ही उसे अपने फुल फेस या फुल बॉडी पे अप्लाई करें। ये आपकी स्किन की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर टू, ये सभी प्रोडक्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। और जहां तक रही बात स्किन केयर की, जरूरी नहीं है कि आप सेम प्रोडक्ट यूज करें। जो भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हो, आप उन्हें यूज करके अपना स्किन केयर रूटीन इजीली फॉलो कर सकती हैं। जरूरत है स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने की। ये जरूरी नहीं है कि आप सेम प्रोडक्ट यूज करें, बस स्टेप फॉलो करिए, वही आपके लिए इनफ है। सबसे पहला स्टेप मेरा होने वाला है मेकअप को रिमूव करने का। उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ वाव स्किन साइंस का कोकोनट क्लेरिफाइंग माइसला वाटर, जो कि है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। और वाइप्स के लिए मैं यूज कर रही हूँ बेला के कॉटन वाइप्स। वैसे आज मैंने कोई भी वाटरप्रूफ मेकअप अप्लाई नहीं किया है, मतलब जैसे मस्कारा या आईलाइनर, तो ये इससे ही रिमूव हो जाएगा और मुझे ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बाकी का मेकअप तो इससे रिमूव हो गया, लेकिन लिपस्टिक नहीं रिमूव हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ। ये वैसलीन है, जिससे कि लिपस्टिक जो है वो मेल्ट हो जाए और अच्छे से रिमूव हो जाए। मेकअप रिमूव हो गया है, अब बारी है फेस वॉश की, जो कि मैं यूज कर रही हूँ द फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट फोमिंग क्लींजर। ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, काफी अच्छा क्लींजर है और मैं इसे मोस्टली आफ्टर मेकअप ही यूज करती हूँ, जिससे कि मेरा फेस जो है वो अच्छे से डीप क्लीन हो जाए। रिमूव कर दिया है और फेस वॉश भी कर लिया है, आप देख सकते हैं मेकअप जो है वो अच्छे से रिमूव हो गया है। अब बारी है उस स्टेप की, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ शेयर किया था। वैसे ये मैं आई गेस आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और ये है रूप मंत्रा का एलोवेरा जेल। इसे मैं एज अ फेस मास्क यूज करूंगी, मतलब ढेर सारा एलोवेरा जेल लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। ये काफी अच्छा इम्पैक्ट डालता है स्किन पे, मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और फेस पैक का भी काम हो जाता है और स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन भी मिलती है। आप चाहें तो आप किसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ भी सेम फॉलो कर सकती हैं, बट मैं एलोवेरा जेल के साथ ही सेम स्टेप फॉलो करूंगी। आप सोच रहे होंगे कि सारी लिपस्टिक रिमूव हो गई, बट ये रिमूव नहीं हुई। ये कौन सी लिपस्टिक है? तो ये लिपस्टिक है NYWay की लिक्विड लिपस्टिक, जिसमें जो मेरा शेड है वो है 22। काफी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, जो कि वैसलीन से भी रिमूव नहीं हुई और ना ही फेस वॉश से ही। तो मैंने एलोवेरा जेल को अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसे अपने फेस पे 5 से 10 मिनट रखूंगी ऐसे ही। उसके बाद आप चाहें तो फेस वॉश कर सकती हैं या वाइप कर सकती हैं, बट मैं फेस वॉश ही करती हूँ। तो ऑलमोस्ट 7 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसे हल्का सा मसाज करके
मतलब बहुत हल्के हाथों से, फिंगर से नॉट हाथों से, और उसके बाद मैं इसे वॉश कर दूंगी मतलब नॉर्मल पानी से ही। तो मैंने फेस वॉश कर दिया है और आप देख सकती हैं कि स्किन जो है वो एक्स्ट्रा हाइड्रेटेड दिखती है, काफ़ी ब्राइट दिखने लगती है और बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेशन मिलता है। साथ ही साथ पिंपल और एक्ने के लिए, साथ ही स्किन टोन को लाइट करने के लिए, सन टैन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और इस फेस मास्क के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। फिलहाल यही फेस मास्क है जो मैं एवरीडे यूज़ कर सकती हूँ। बाकी आपको पता ही है कि आप कोई भी फेस मास्क एवरीडे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप ट्राई करना चाहें। वैसे आप एलोवेरा जेल में टी ट्री ऑयल भी मिक्स कर सकती हैं या टर्मरिक बहुत थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर सकती हैं, या अगर आपको कोई और एसेंशियल ऑयल यूज़ करना हो तो आप वो भी उसमें एक दो ड्रॉप्स मिक्स करके यूज़ कर सकती हैं। लेकिन 90% मैं सिर्फ एलोवेरा जेल ही यूज़ करती हूँ, उसमें और कुछ भी मिक्स नहीं करती हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी रोज़ वाटर। स्किन में अब्सॉर्ब हो चुका है। लास्ट स्टेप है सीरम का, जो कि है हर्ब टॉनिक प्रोफेशनल से, और मैं यही सीरम आजकल यूज कर रही हूँ, मतलब चेंज करती रहती हूँ बट आज मैं यही सीरम यूज करने वाली हूँ। आईज के लिए अंडर आई जेल जो कि है मदर स्पर्स से। देखिए हर किसी का अपना अपना तरीका होता है स्किन केयर का, बट मैं एक आई जेल या आई क्रीम जरूर यूज करती हूँ और रीजन मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लास्ट स्टेप है लिप बाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपका स्किन केयर जो है वो यहां पे कंप्लीट। मेरा आज का क्विक स्किन केयर रूटीन जो कि मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप में से कितने लोग हैं जो अपनी स्किन केयर में ये स्टेप फॉलो करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा हाइड्रेशन का या एक्स्ट्रा केयर का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें जिससे कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।